आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन डीजे एक्सपो 2023 के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे जो इंडियन डीजे एक्सपो 2023 का हॉल लगा हुआ है जो कि 13 और 14 नंबर है। दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहें, इस वीडियो में हम आपको जो हॉल के अंदर सारे काउंटर लगे हुए हैं सभी कंपनियों के उनके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। और ये जो आप बाहर हमारे पीछे देख रहे हैं डेमो लगा हुआ है, किस कंपनी का डेमो लगा हुआ है और कौन सी कंपनी का एम्पलीफायर यूज़ किया गया है वो भी आपको जानकारी देंगे। और कितने बेस लगे हुए हैं, कितने टॉप, कितने लाइनर है, सभी चीज़ों की जानकारी देंगे। और अंदर जो सभी कंपनियां आई हुई हैं उनको हर एक काउंटर की डिटेल अच्छे से काफ़ी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को बने रहे और अगर हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इंडियन डीजे एक्सपो 2023 की सारी वीडियो लगातार आने वाली हैं। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं डिटेल में हर एक काउंटर के बारे में कैसी है जानकारी। आपको ये एनएक्स ऑडियो का जो काउंटर है वो लगा हुआ मिलेगा जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं एनएक्स ऑडियो एमटी सीरीज डिस्प्ले की गई हुई है जो कि 701, एमटी 2201 और एमटी 1601, एमटी 1801 और एमटी 1201। और आप लोग ये देख सकते हैं पूरा एनएक्स ऑडियो का काउंटर है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसकी फुल वीडियो हम आप लोगों को प्रॉपर बना के दे देंगे जो कि एक अलग से स्पेशली वीडियो होगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे सूटन कंपनी का यहाँ पे लगा हुआ है काउंटर जो कि सूटन स्पीकर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप लोग देख सकते हैं ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होते हैं, ये इनके स्पीकर्स हैं। और हम आप लोगों को अगर पूरी एक एक डिटेल में बात करेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी हम डिटेल में बात नहीं करते हैं। आप लोगों को सिर्फ दिखाते हैं कि इंडियन डीजे एक्सपो में जो कि 2023 में ग्रेटर नोएडा में लगा हुआ है उसमें कौन सा काउंटर आपको लगा हुआ मिलेगा। तो अगर आप लोग किसी भी कंपनी के लिए चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमको कौन सी कंपनी का डिटेल वीडियो देखना है, तो उसका हम आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना के दे देंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो कि वॉइस कॉइल करती है जो कि कुंजार परफॉर्मेंस ऑडियो के नाम से है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कैपिटल साउंड सिस्टम का काउंटर लगा हुआ है जो कि हॉर्न्स स्पीकर्स सभी चीज़ों में डील करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आहूजा का काउंटर लगा हुआ है जो कि आप सभी का फेवरेट ब्रांड आहूजा है। इन्होंने भी अपने काउंटर में काफ़ी चीज़ें डिस्प्ले की हुई है और कई प्रोडक्ट इनके जो नए लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं वो भी इन्होंने इस इंडियन डीजे एक्सपो में लॉन्च किया है और उनको शो ऑफ किया है। अगर आप लोग इस काउंटर की आहूजा के सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें, हम आपको वीडियो फुल बना के ज़रूर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटा 3 का काउंटर लगा हुआ है। बीटा 3 के काउंटर में हम आप लोगों को ले चलते हैं और दिखाते हैं कि उन्होंने कौन से एम्पलीफायर यहाँ पे शो ऑफ किए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके सारे प्रोडक्ट्स को। इनके एम्पलीफायर्स रखे हुए हैं। अगर आप लोग इसकी भी प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं ज़ाइफर लैब्स की। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ज़ाइफर लैब्स का काउंटर लगा हुआ है जो कि इनके स्पीकर्स एब्सोल्यूट ऑडियो के नाम से भी अभी लेटेस्ट में आए हुए। दोस्तों इस बार इंडियन डीजे एक्सपो 2023 में डाची ने भी अपना काउंटर लगाया है जो कि स्टेबलाइजर्स में डील करते हैं। अगर आप लोग डीजे का बिजनेस करते हैं तो अपने डीजे में डाची कंपनी का स्टेबलाइजर ज़रूर यूज़ करें क्योंकि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये स्पेशली फॉर डीजे मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टेबलाइजर अपना बनाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी इनके काउंटर की फुल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, हम इनके काउंटर की फुल वीडियो प्राइस के साथ ज़रूर बना के देंगे आपको। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल का काउंटर है जो कि यहाँ पे डीजे सीरीज एम्पलीफायर और इनका जो लेटेस्ट मॉडल अभी लॉन्च हुआ है वो पी सीरीज का 10.0 जो कि 10 किलो वाट का एम्पलीफायर है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको पुश करके आप लोग पढ़ सकते हैं, ये इनका लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है जो कि अभी तक पी सीरीज में सबसे बड़ा मॉडल था वो पी सीरीज 7.5 था। आप लोग अगर कहेंगे तो इनके काउंटर की हम प्रॉपर वीडियो आप लोग को बना के दे देंगे सभी प्रोडक्ट्स की, वो भी रेट के साथ। अब दोस्तों देख सकते हैं आगे डास्का का काउंटर लगा हुआ है जो कि यासिका प्रो ऑडियो के नाम से है। इनके एम्पलीफायर्स डास्का 8.0, 6.0, 4.2 सभी एम्पलीफायर लगे हुए हैं इनके स्पीकर्स। दूसरी ओर उसके सामने बात करें तो फॉल्कन जो कि लीड वायर्स, माइक वायर्स, साउंड वायर्स सभी प्रकार के वायर्स के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ऑडियो टोन प्रोफेशनल का
जो काउंटर लगा हुआ है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को भी काफ़ी अच्छे से दिखाया है। दोस्तों अगर आप लोग भी ऑडियो टोन का एक स्पेशली वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बना देंगे। और दोस्तों दूसरे और देखते हैं अब SAE का काउंटर जो कि साउंड स्टैंडर्ड कंपनी का है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साउंड स्टैंडर्ड कंपनी के सारे एम्पलीफायर्स जो कि CA सीरीज, CA20+ सभी प्रकार के मॉडल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं इन्होंने एम्पलीफायर को ओपन करके भी दिखाया है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहे, हम अभी आपको लाइट के काउंटर की तरफ भी ले चलते हैं। यहाँ पे NR इंडस्ट्रीज के नाम से काउंटर लगा हुआ है जो कि साउंड बॉक्स की ग्रिल्स और फ्लेयर वगैरह अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर इनकी क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में डील करते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप लोग इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग को फ्लेयर वगैरह चाहिए तो। RC का काउंटर लगा हुआ है जो कि आप सभी लोगों का काफ़ी फेवरेट ब्रांड है। आप लोग देख सकते हैं BRC के बॉम्बे जो कि अमर डीजे मेरठ ने यूज़ किए थे, ये आपके सामने है। इनकी स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं 7200 वाट का है ये, और 95,000 रुपये का पेयर ये स्पीकर लगा हुआ है जो कि बेस एक पेयर लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इनके कैबिनेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप लोगों को इनका प्रॉपर वीडियो चाहिए तो वो भी हम आप लोगों को दे देंगे। यहाँ पे प्रोकैप कंपनी का काउंटर लगा हुआ है जो कि ये स्टीरियो पिन, मोनोजैक, लीड वायर्स, स्पीकर वायर्स में डील करते हैं। एक्स प्रो का काउंटर देख सकते हैं जो कि साउंड और लाइट दोनों में डीलिंग करते हैं। ये उनके एम्पलीफायर्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि सभी सीरीज़ के हैं, आप देख सकते हैं। और ये रेट्रो फैन व्हील आप लोग देख सकते हैं कितना जलता है तो कितना गजब का लग रहा है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। इन्होंने ट्रस पे लाइट, शार्पीज, ब्लेंडर सब कुछ हैंग करके रखा हुआ है। देख सकते हैं कि 15 वाट की लेज़र लगी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। अब उसके बगल में बात करें तो S-Pro का काउंटर आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं S-Pro का काउंटर लगा हुआ है जो कि इन्होंने भी काफ़ी शार्पीज लगा रखी हैं। इन सब का प्रॉपर वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो का वेट करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों ये सामने जिया का काउंटर है, देख लीजिए काफ़ी शानदार लग रहा है, इनकी भी शार्प पीस काफ़ी अच्छी हैं। इन सब का डिटेल वीडियो आपको मिलेगा, वो भी रेट के साथ मिलेगा। थोड़ा सा वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग को दिखाते हैं कि इंडियन DJ एक्सपो 2023 में कौन कौन से काउंटर लगे हुए हैं। दोस्तों अगर आप लोग थीम का काम करते हैं तो एक यह काउंटर लगा हुआ है जो कि STE के नाम से है, स्पेशल इफेक्ट, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये लगा हुआ है BSM का काउंटर इसी के जस्ट सामने, आप लोग देख सकते हैं इन्होंने भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग करके रखी हुई है। और दोस्तों इनके सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू हम करेंगे और सभी को रेट के साथ आप लोगों को बताएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। दोस्तों हमारे सामने DJ मेकर का काउंटर लगा हुआ है। अगर आप लोगों को इनका बेस परचेस करना है या लाइनरें परचेस करना है तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका भी नंबर हम आप लोगों को डिस्प्ले पे दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्यूब का काउंटर है जो कि इन्होंने सारी अपनी वेराइटीज़ हैं वो लगा के रखा है। दोस्तों अगर आप लोग एक एल्युमिनियम ट्रस की तलाश में हैं तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं जो कि औलाद ट्रस के नाम से हैं, ट्रस मैन्युफैक्चरर हैं। आप लोग इनका कांटेक्ट नंबर और एड्रेस देख सकते हैं। आप लोग को अगर एल्युमिनियम ट्रस लेना है तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिखने में लग रही है। और आप लोग इसका रेट भी देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेके आप लोग इनका रेट देख सकते हैं। दोस्तों कैडेंस प्रो के नाम से यह एक काउंटर लगा हुआ है जो कि ट्रस और एसेसरीज उनकी और शार्पी, ब्लेंडर हर एक चीज़ में डील करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी देखिए इसको चला के दिखाते हैं आप लोगों को।
शार्पी देखो भाई, कितनी गजब शार्पी। और ये दोस्तों, यह काउंटर काफ़ी गजब लगा हुआ है, जिसमें सोवा या रोलेक्स सभी कंपनी के साथ में स्पार लाइट और भी काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और आप लोग को एक यूनिक चीज दिखाते हैं जो आपने शायद ही पहले इसके नहीं देखी होगी। देख सकते हैं, आपने रेट्रो फैन व्हील देखा होगा, लेकिन ये कुछ अलग ही चीज़ है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसका लुक जो है काफ़ी अलग है। दोस्तों, आप लोगों का फेवरेट ब्रांड जो कि स्टेंजर कंपनी की तरफ से, आप लोग देख सकते हैं उनका काउंटर लगा है। और अगर आप लोगों को ओरिजिनल माल परचेज करना है तो कौन ग्रामोफोन लाउड स्पीकर एजेंसी जो कि कानपुर में है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी भी डिटेल वीडियो, हर एक प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट नया आया हो उसकी वीडियो हम आप लोगों को अपने चैनल पर ज़रूर देंगे। तो अगर आप लोगों को LED वॉल का काम करना है तो आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि जोना नोवा स्टार जोना LED के नाम से फेमस हैं। आप देख सकते हैं उनका काउंटर लगा हुआ है, ये जो कि LED पैनल में डील करते हैं। आप देख सकते हैं उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, अगर आप लोग कैबिनेट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो आप लोग इस काउंटर को ज़रूर देखिए और इनका कॉन्टेक्ट नंबर हमसे ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये ग्रिल मैन्युफैक्चरिंग, हैंडल, बैक प्लेट और सभी चीज़ों में डील करते हैं। आप लोग इनके काउंटर को देख सकते हैं कि ग्रिल के डिज़ाइन काफ़ी अच्छी अच्छी लगी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट को, जो कि रेट भी इसमें मेंशन किया हुआ है। अगर प्रॉपर वीडियो कहेंगे तो हम बना देंगे, जो कि बस्कृत साउंड सॉल्यूशन के नाम से इनका काउंटर है। दोस्तों, बात करते हैं साइमन प्रो के काउंटर के बारे में, इसका भी फुल डिटेल वीडियो हम आपको अपने चैनल पे देंगे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ATI प्रो के काउंटर की, जो कि इस पूरे इंडियन डीजे एक्सपो में काफ़ी अच्छा काउंटर लगा हुआ है, जो कि इस बार ATI प्रो ने अपना लाइट का काउंटर अलग कर दिया है और जो साउंड का है, ऑडियो का, वो अलग कर दिया है उसका सेक्शन। आप लोग को पहले लाइट काउंटर दिखाते हैं, उसके बाद आपको पीछे ले चलते हैं, जैसे कि जस्ट पीछे ऑडियो का काउंटर लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रेट्रो फैन व्हील इनके लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और भी इनके लाइटिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए आइटम ऐड हुए हैं, वो आपको प्रॉपर वीडियो जब आएगी इसकी तो उसमें डिटेल मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं ये ATI प्रो का जो बैक साइड में है, वो ऑडियो का काउंटर वहाँ पे लगा हुआ है। आप लोग खुले चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट लगा के रखा है। आप देख सकते हैं उनके लाइनरेज हैं और एम्पलीफायर जो नई लॉन्च की है इन्होंने भी, उसको हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आप लोग देख सकते हैं उनके स्पीकर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इंडियन डीजे एक्सपो 2023 से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आपको ज़रूर देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।